ए और बी के मिश्रण में दो दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 है और 5:1 है। यदि बर्तन ए और बर्तन बी में किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण मिला दिया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए? देखो यह एलिजेशन का है, मिश्रण का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है तो मिश्रण के क्वेश्चन के नियम से लगेगा। देखो क्या कह रहा है कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में, बर्तन ए और बर्तन बी मिश्रण में और पानी का, देखो मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, मतलब दूध और पानी का अनुपात है और 5:1, मतलब कि देखो दूध और पानी, 4 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। ठीक, इसमें 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। ठीक है, तो कितना ए और बी के किस अनुपात में, मतलब ए और बी बर्तन में से, बर्तन ए और बर्तन बी में से किस अनुपात में मिश्रण निकाल लिया जाए कि दूध का जो अनुपात हो जाए पानी 5:4। इसमें से मिश्रण को निकालना है, कितना निकालना है कि 5:4 के, मतलब 5 लीटर, 5 लीटर दूध हो और 4 लीटर पानी हो, 5 लीटर दूध और 4 लीटर पानी निकालना है। ठीक है, किस अनुपात में निकाला जाए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम इनको जोड़ दें ना, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 होगा, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, और सॉरी इनको जोड़ेंगे तो 9 होगा ना, और इनको जोड़ेंगे 6 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 18 होगा, 18 होगा। तो 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना के गुणा कर दिए 2 का, और इसमें कितना के गुणा कर देंगे 2 का, और इसमें भी गुणा कर देंगे 2 का। ठीक, तो हम इसमें एक चीज ध्यान देना, 18 बनाने के लिए इसमें हम 2 का गुणा किए, इसमें भी 2 का गुणा किए, और इसमें भी 2 का गुणा कर दिए। ठीक, तो एक चीज और ध्यान देना, तो अगर हम पानी को लेंगे या दूध को ले रहे हैं, चलो हम दूध के ले लिए, कितना 4 लीटर दूध है, ठीक 4 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, तो 4 लीटर दूध को ले रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ठीक 8 रहा होगा, मतलब 8 होगा, और 8 हो गया, और यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और सॉरी हाँ 10 हो जाएगा, 10 हो गया, और इसको ले लेंगे फिर दूध। देखो हमने बस दूध लिया हूँ, दूध ले कितना है 4 लीटर है, तो 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, इधर इधर दूध मेरा कितना है 5 है, तो 10 हो गया, इधर दूध कितना है 10 है, फिर 10 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, इसको 18 बनाना तो यह 6 होगा ना, यह 3 का गुणा होगा ना, देखो हमको 18 बनाना है, यह भी 18 होना चाहिए, एलसीएम टोटल 18 आ रहा है, 9 तो 18 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। ठीक, तो यह यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, 15 निकाल दो रेशियो में, कितना है भाई, निकालेंगे 5 हुआ, और यह कितना बचा 2, तो 5:2 में कितना निकालना है दूध, निकाल दिया जाए कि दूध और पानी का जो अनुपात होगा कितना होगा, दूध और पानी का जो निकाला गया दूध कितना है, तो 5 लीटर दूध निकाल रहा है और 2 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक, 5 लीटर दूध निकाल रहा है और 2 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एक खाओ, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का जो अनुपात है 1:2 है, और दूसरे में इस धातु में जिंक और कॉपर का जो अनुपात है 2:3 है, तो इन दोनों मिश्रण में, मिश्र धातुओं में मिलाया जाता है, मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं में मिलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का जो अनुपात 5:8 हो जाता है, तो नए हो जाता है, तो नए मिश्रण में इन दोनों के मिश्र धातुओं का अनुपात बताइए, नए मिश्रण में इन धातु में जो मिलाया गया धातुओं का अनुपात ज्ञात करना है, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ, जिंक पहले में क्या कह रहा है, पहला और दूसरा, पहला अनुपात जो बोला है कि इसमें जो जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है, दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है, मतलब जिंक 1 है 2 कॉपर है, इसमें जिंक 2 है 3 कॉपर है, तो यह बोला है। फिर उसके बाद क्या करा, तीन जो नया मिश्रण में मिलाया, नए मिश्रण में जो दोनों मिश्रण धातुओं को मिलाया जाता है,
तो एक नए मिश्रण में धातु में जिंक और कॉपर का जो मिलाया गया वही धातु ज्ञात करना है, उसी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताओ कि हमारे जिंक हमारा यह कितना हुआ, एक एक जिंक है, दो इसमें दो जिंक है और इसमें पांच जिंक है। तो हम जिंक लेंगे तो जिंक को हल करेंगे और कापर लेंगे तो कापर से हल करेंगे। ठीक, मिश्रण का मिश्रण वाला क्वेश्चन मिश्रण से ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखो इनको जोड़ो कितना हुआ भाई, पांच हो गया, सॉरी इनको जोड़ो कितना आएगा, तीन होगा, इनको जोड़ो कितना आएगा, पांच होगा, इनको जोड़ो कितना आएगा, तेरह होगा। ठीक, इनको जोड़े हम तीन आ गया, इनको जोड़े पांच आ गया, इनके जोड़े तेरह आ गया। ठीक है, अब हमको देखो जिंक को लेना है, जिंक को लेना है तो जिंक को लेना है, तो अब बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तेरह हुआ या कितना एलसीएम हुआ, इन तीनों का एलसीएम, सही क्वेश्चन है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो पैसा का कितना होगा, 15 और 13, इन तीनों का एलसीएम ले लें, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 हुआ, 15 और 13, 15 और 13, अगर हमको एलसीएम लेना है तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें कितना गुणा होगा, तो इसमें गुणा कर दो तुम, 65 का गुणा हो जाएगा, इसमें 65 का गुणा होगा, इसमें कितना गुणा होगा, 39 का गुणा होगा, इसमें कितना हुआ, और इसमें हुआ 15 गुणा। ठीक, हम कर सकते हैं, एलसीएम 65 होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 गुणा, अगर हम इसमें कर दें, एलसीएम निकालना है, टोटल एलसीएम निकालेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक आपको एलसीएम ना निकाल कर इसमें क्या कर दें, इसमें 13 5 65, इसमें हम 65 का गुणा कर दें तो 65 का गुणा होगा, तो 65 एकम 65 हो गया। ठीक, इसमें कितना गुणा करेंगे, 39 39 गुना 78 हो जाएगा, 39 गुना 78 हो जाएगा, और इसमें कितना गुणा करेंगे भाई, इसमें गुणा करेंगे हम 15 15 75 75 हो जाएगा। ठीक, इनका निकाल लो मेरा आ जाएगा, हमने देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम करने में मतलब 15 15 और 13 गुणा कर दो, एलसीएम निकल जाएगा, वो बात नहीं, इस तरह का तो ना थी है, क्या हो 13 बजे 65, मतलब 3 से कट जाता, 13 बजे 65, यहाँ 65 हो गया, इसका इसका क्या होगा, इसमें 65, हमने देखो जिंक को लिया हूँ ना, तो हम जिंक के लिए हैं, अब इसमें दोनों को जोड़ दो तो 5 हो जाएगा, 5 हुआ, तो इसमें कितना होगा, 33 39 39 गुना 78 होता है, 39 गुना 78 होगा, 78, और इसमें कितना हुआ भाई, 13 13 15 हुआ 15 15 75 75 हो गया। ठीक, इसमें घटा दो कितना बचा, 3 हुआ, और इसमें घटाएंगे कितना बचा, 10 हुआ। ठीक, 3:10, 3:10 रेशियो, इसका रेशियो कितना हुआ, 3:10, यही मेरा आंसर है, 3:10 मतलब यह मेरा आंसर है। ठीक, कितना था भाई, 37, पहला वाला सही है। ठीक, सही पहला, देखो मेरा क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन मेरा क्या करा, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते थे। ठीक, उसके बाद काम शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है, तो इसको लगाएंगे इस पर, EMDH, MDH से बराबर EM2D2H2 से, इससे लगेगा, MDH याद कर लो, MDH 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 आने का मतलब थी, पहले बताओ 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, 3 लोग काम कर रहे हैं, अब देखो किसी 3 लोग किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते थे। ठीक, 6 दिन में समाप्त कर सकते थे, उसके उसके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद जो आया था, 2 दिन बाद 3 लोग काम किए थे, 2 दिन बाद दूसरा लोग आया, मतलब यह 4 काम हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 2 4, तो 2 काम तो कर दिया है, 2 दिन मतलब हो गया, तो 2 दिन बाद आया, 2 दिन बाद तो क्या हुआ, 2 दिन बाद 6 काम हो गया, 3 लोग बढ़ गए, पहले 3 लोग थे, 3 लोग और बढ़ गए, 6 लोग गए, तो यही पूछा है कितने दिन में काम समाप्त होगा। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने समझा, देखो देखो 3 पुरुष है ना, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर रहा है,
छद्म में काव्य को समाप्त कर रहा है, ठीक। उसमें यह कह रहा है दो दिन बाद, तीन लोग थे, 2 दिन बाद मतलब थे, 2 दिन, देखो 2 दिन हो गया था काम, 2 दिन हो गया था काम, तो 2 दिन बाद वो तीन लोग और आ गए थे। कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए थे, 6 लोग हो गए थे। वो काम कितने दिन पड़ेंगे अब बताओ? 2 दिन काम किया, कितने लोग थे? 4। 2 दिन अब 4 काम बचा है ना, 4 दिन काम बचा है, बताओ है? 2 दिन तो काम हो गया है, 2 दिन बाद आए हैं, 2 दिन बाद आए थे, दोनों 3 के बाद काम, 2 दिन बाद आए थे, 6 3 लोग थे, 3 लोग और बढ़ गए, 6 लोग हो गए, 2 दिन काम हो गया, बताओ कितना? 4 दिन, 4 दिन बचा ना, तो 4 दिन 12, ठीक, इधर हो जाएगा 6 + 3, तो डी बराबर कितना होगा? बराबर 6 भाग देंगे कितना? 2 दिन। कितने दिन में करेंगे भाई? 2 दिन में, ठीक। काम कौन करेगा? 2 दिन में काम करेगा, समझ में आया? देखो मेरा कहने का मतलब, 3 पुरुष है ना, 3 पुरुष है, किसी काम को 6 दिन में काम समाप्त कर सकता था, काम समाप्त कर सकता था, लेकिन देखो उनके काम शुरू करने के मतलब जब काम शुरू करने से मतलब काम शुरू करने के लिए काम उसके काम शुरू करने के 2 दिन बाद मतलब शुरू जहां जब कर रहा था उसके 2 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ गए, मतलब तीन जो व्यक्ति है वो 2 दिन तक करने के बाद 2 दिन तक काम कर लिया, दूसरे जैसे थे हमने कह दिए कि हम 2 दिन काम कर लिए, अब तीसरा दिन हमने काम चालू करेंगे, तीसरा दिन 2 दिन काम हो गया, 6 काम था, 6 दिन में काम हो रहा था, 2 दिन काम हो गया, 4 दिन बचा, 4 दिन बचा, जो 4 दिन काम है और 4 दिन के बाद वो 3 व्यक्ति और आ गए हैं, तो कितने हो गए? 6 लोग हो गए, तो वही पूछा था वो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? 2 दिन में।